सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई देखो, हमारे पीछे खड़ी है भाई 450 cc ये रही, और इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है बस देखो, हमने ना हमारी बाइक में लगवाई थी एक्स्ट्रा लाइट्स, एक ये एक ये, तो इसमें ना हमने हैजार्ड नहीं लगवाया, तो बार बार ना इसकी लाइट ना फूक रही है, मतलब इसका स्विच फूक रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं ज़रा करोल बाग और इसकी लाइट का कुछ जुगाड़ करवाते हैं। और यार कल ना बारिश हुई थी, तो देखो सारी बाइक और गाड़ी गंदी खड़ी हुई है, तो अभी बाइक थोड़ी सी गंदी है, इग्नोर करना। और अभी हमने अपनी बाइक में फ़िट कराए हैं भाई मोटो जीनियस के नेकल गार्ड। इनकी बिल्ड क्वालिटी ना भाई बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि भाई सबको पता है, हमारी बाइक में ना सारा सामान मिलेगा आपको मोटो जीनियस का। और अभी जो हमारी बाइक है, देखो बाइक में ब्लिंक की प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कैमरे में, ये हमेशा रहेगी, चाहे मैं इसको एंटी फ्लिकर ऑन कर लूँ चाहे ऑफ़ कर लूँ। और हमारी बाइक की अभी रनिंग हो चुकी है भाई 11,923 किलोमीटर, तो फिलहाल ये थोड़े दिन में 12,000 भी होने वाली है। तो अभी क्या है, अभी हम चलते हैं करोल बाग और इसमें कराते हैं थोड़ा वायरिंग का काम। और यार अभी सीन क्या है ना, देखो रास्ते का ट्रैफिक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, खामा खाए में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ, रास्ते में दिखेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक। तो कैमरे को बंद करता हूँ, जहाँ लगेगा ज़रूरत है चलाऊँगा, नहीं तो आपसे मैं सीधा मिलूँगा अब करोल बाग में। तो यार अभी कैसे ना, देखो हम पहुँच गए करोल बाग, और करोल बाग में आए हम सिंपी इलेक्ट्रिशियन पे। सिंपी भैया हैं जो भाई करोल बाग में माने जाने, और यहाँ पे हम करा रहे हैं भाई अपनी बाइक। देखो इसमें होना है वायरिंग का काम, हिमालयन 450 cc में हमने वायरिंग क्या करी थी, देखो बाहर से कराया था तो ना सारा ऊटपटांग हो रखा था, तो अभी हम कराएंगे सिंपी भैया से वायरिंग का काम। देखो ये रे, मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, जब मैंने अपनी नई हिमालयन ली थी तब भी मैं यहाँ आया था, और जो ये वाली हिमालयन है 450, इसका भी काम यहीं से होगा। तो भैया अभी कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे चल रहा है हमारा जब तक वायरिंग का काम, तो हमें ना इसकी सीट भी कंफर्टेबल करवानी थी, तो इसको भी ले चलते खदानची पे। तो अभी ना ये बहुत अनकंफर्टेबल है, ये दोनों का जोड़ा है, तो इस जोड़े को अभी सही करवा लेते हैं। सो गाइस, ये हम लोग आ चुके हैं खदानची पे, खदानची जो असली वाला खदानची है, यहाँ से हम कराएंगे अपनी सीट की मॉडिफिकेशन। तो इस सीट को थोड़ा सा हम करवा लेते हैं जरा मॉडिफाई। हाँ, उन्हें समझा दिया। चलो अब वहाँ जाना है ना दूसरी जगह। तो यार यहाँ पे भी हमने लिया अपनी सीट, और सबसे मेन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, फोर्थ फ्लोर पे चढ़े हुए थे, अब जरा नीचे उतर रहे थे। 450 की पूरी मॉडिफिकेशन करवा के रहेंगे भाई, सीट हो गई है, हैजार्ड की लाइट्स हो गई है। तो यार अभी क्या सीन था, देखो हमने अपनी बाइक जो रामनिवास भैया की बाइक थी वो दी हमने खदानची पे सीट के लिए। यहाँ पे ना अभी कुछ दिन पहले ली थी मास्टर जी ने भी बाइक, और उनकी बाइक पे भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो रही है, तो उसमें ना पूरा कॉम्बो लिया मास्टर जी ने। जैसे हेरा कॉम्बो में आ गया आपका सिलेंडर किट का, हो गया आगे का पार्ट्स, हो गया रेडिएटर ग्रिल हो गई, और साथ साथ हेरा GPS माउंट हो गए, कुछ छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है जो अभी हम इस वाली नई वाली हिमालयन 450 cc में करा रहे हैं। और भाई अभी हम ये करा रहे हैं PGX ऑटो एक्सेसरीज से करोल बाग में। सो ये देखिए गाइस, एक लगा GPS माउंट, एक लगा है हमारे इस वाली हिमालयन में हेडलाइट ग्रिल, और अभी नीचे लगेगी ये बैस प्लेट, सम प्लेट इसको बोलते हैं, एक लगेगी ये, और साथ में ऑयल कैप एक यहाँ पे भी लग चुकी है, देखो ये थी। और ये ना पूरा कॉम्बो था, पूरा हमें मिल गया भाई मार्केट में करोल बाग में 5,000 रुपये का पूरा कॉम्बो। यहाँ पे हम लगा रहे हैं भाई सैडल स्टे देख सकते हैं भाई ये रही, और एक बारी मैं इनकी क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। देखो जो कंपनी के सैडल स्टे आते हैं ना, उनसे थोड़े से हल्के हैं, लेकिन काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे काम चल जाएगा आराम से। और ना भाई एक चीज़ ये देखो, तो अभी मास्टर जी ने अपनी बाइक में ये लगवा रहे थे पार्क बस्टर के नेकल गार्ड। सो ये देखिए भाई, हमारी अभी याली हिमालयन से उतर रही है भाई रेडिएटर ग्रिल, और ये देख रहे हो भाई कितनी बड़ी दे रखी है, तो जो अभी जो लग रही है ना हिमालयन में, वो लग रही है भाई स्टील या एल्यूमिनियम की है ना। हाँ अच्छा, लोहे की है। ओके, तो ये लग रही है भाई लोहे वाली रेडिएटर ग्रिल, और ये देखो इसका रेडिएटर हिमालयन 450 cc का। सुबह जहाँ से हम जरा अपनी सीट सेव करने हैं, देखो हमारी 450 की सीट तो रेडी हो चुकी है, ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। और कंपनी में गए थे भाई, कंपनी वाले इसी चीज़ के ना भाई 7,500 रुपये ले रहे थे, देख रहे हो। तो गाइस यस, खदानची से जा रहे हैं अभी हम सीट करा के वापस। तो गाइस ये देखो, हमने हमारी हिमालयन में लगा दी है सीट, और यहाँ पे तो शुरुआत भी हो गई है, पट्टी कर दी कबूतर ने, और सीट देखो, सीट हो गया कम्फर्टेबल। और लाइट की जो फिटिंग थी ना हमारी, ये देखो यहाँ पे थी सारी वायरिंग, ये सब अंदर हो चुकी है, अंदर अंदर से लग गया हार्नेस, और अब हमारी बाइक धीरे धीरे हो चुकी है पूरी रेडी। और देखो भाई सीट देख सकते हो अब इसका लुक कैसा आ रहा है, अभी ना इसमें हमने थोड़ी सी कुशनिंग दे दी है, तो अब बैठने में आसान रहेगा, और पीछे वाली सीट को थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया है। सो गाइस देखो, हमारी जो दूसरी वाली हिमालयन थी, एक्चुअली में सीन क्या है, हम मार्केट में ना दो हिमालयन की तैयारी कर रहे हैं, एक थी हमारी ये वाला ग्रे जो ब्लू कलर से है, और एक है हमारे ब्लैक वाली,
तो इसमें ना मोस्टली हमारा सारा काम हो चुका है और कुछ चीज़ें जी हमने जो रिटर्न कर दिया, देखो सीट ये रही और सैडल इससे ये रहा और देखो जाली ये रही और नीचे प्लेट और लाइटों की फिटिंग और ऐसे ही बहुत सारे काम थे जो अपने हिमालय में कराए। और अगर आप लोगों को कराना है तो भाई नीचे नंबर दिया गया, नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और हमने कराया था शिम्पी भैया से काम, हालांकि जावेद भाई भी ये रहे। तो अभी इसमें यहाँ पे हमारे दूसरी जगह पे काम क्या हुआ था, अभी हमने इसमें लगाया भाई टॉप बॉक्स, ये देखो ये रहा, एक टॉप बॉक्स फिट हो चुका है और साथ साथ लाइट का है और वायरिंग का काम है, जो भी हमारा वायरिंग से रिलेटेड काम था वो हमने कराया भाई शिम्पी भैया पे। तो शिम्पी भैया पे आओगे तो जावेद भाई मिलेंगे, यहाँ पे आप अपनी बाइकों में काम करा सकते हैं जो अभी हमने करवा लिया है। और हमने ना भाई क्या था यहाँ पे ना, हमने इसमें लाइट लगाई थी, ये देखो। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारी लाइट में, ये लाइट जा रही है अंदर की तरफ तो इसका फोकस जा रहा है इधर, ये देखो। तो अभी क्या सीन है, इसको हम थोड़ा सा बाहर करवा दे ताकि हमारा फोकस सही हो जाए। तो वैसे यार बाइक का ना ये वाला कलर देखो, ब्लैक कलर से, तो मैं सच्ची बताऊँ अंदर के बाद देखो हमारे पास ब्लैक कलर भी खड़ा है ये रहा, लेकिन ब्लैक कलर से ज्यादा अच्छा ना मेरे को याला गला लग रहा है। सो गाइस ये था हमारा बाइक से रिलेटेड मॉडिफिकेशन का काम और ये हमने करवाया था भाई अपनी हिमालयन 450 सीसी में। और मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग करोलबाग जाते तो वहाँ पे गिनी चुनी कुछ दुकानें और शॉप्स हैं जो ट्रस्टेबल है। तो फिलहाल ना मेरी बेटी क्या है, मेरी बेटी ना यहाँ पे खाना खा रही है, तो खाना खाते समय नखरे कर रही है तो इसलिए ना उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए करोलबाग में कुछ दुकान है जो भाई बिल्कुल ट्रस्टेबल है, जो आपको देखो हर बंदा अपने वैसे मार्केट में कमाने के लिए बैठा है, लेकिन कहीं होते हैं बहुत ज़्यादा कमाते, कहीं होते हैं मतलब लिमिट में कमाते ताकि उनके पास कस्टमर दोबारा आए, तो ऐसी शॉप्स बहुत अच्छी होती हैं। तो एक है रोमी ऑटोमोबाइल्स, आप उस पर जा सकते हैं भाई, आँख बंद करके जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें करोलबाग नहीं जाना है, आपको कुछ सामान मंगवाना है, तो भाई मैंने अपना नंबर दिया था पीछे 8010061006, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मंगा सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान है कि भाई हम किस ब्रांड का सामान अपनी बाइक में लगाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पर्सनल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं भी ये भुगत चुका हूँ। देखो अकल कब, एक मिनट बेटा एक मिनट, अकल कब आती है, जब आप एक बार ही खराब सामान लगवा लेते हैं और वो खराब हो जाता है, उसके बाद आप ब्रांडेड सामान लगवाते हैं। तो कभी आप पार्ट्स यूज करें अपनी बाइक में तो आप यूज करें भाई MG के, मोटो जीनस के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की भाई बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि अगर आप उसकी टेस्टिंग भी करते हैं तो भाई वो टेस्ट में पास हो जाएगा। चाहे उसको तोड़ के देखो, मरोड़ के देखो, उसके नेकल गार्ड देखना आप MG कंपनी के। मैंने इंस्टा पे रील भी डाली हुई है, ये पीछे से आवाज आ रही है, इसलिए ना मेरे को लगता था कि मैं अपना अलग चैनल बना दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, रुक जाओ बता रहा हूँ मैं कुछ। हाँ तो अगर आप भाई पार्ट्स यूज करना चाहते हैं तो मोटोजीनस कंपनी का यूज करें। तो फिलहाल मैं इस वाली वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म, और मेरा ये था कि भाई चैनल अलग बना दूं, लेकिन नहीं, चैनल एक ही चलेगा, मोटो ब्लॉगिंग का इसी पे चलेगा, और मेरी जो बेटी की वीडियो है वो भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे ना इसको नाश्ता करा रहे हैं, और ये क्या कर रहे थे, नई चीज सीख ली आपने, ये देखो नागिन। तो फिलहाल यहाँ पे ना हम इसको दूध पिला रहे हैं, अभी पी लो बेटा आराम से, हैं नखरे कर रही है।